हेलो एवरीवन दिस इज शिवांगी वेलकम टू शिव क्लासेस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर एनालिसिस को और इसका क्या यूज़ है रिसर्च के अंदर तो पेज नंबर वन सिक्सटी टू गुली बाबा की बुक में से हम इसको कवर करेंगे तो आप लोग अगर आपके पास गुली बाबा है तो आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं इसे और पढ़ सकते हैं अच्छे से बाकी समझा मैं दूँगी वीडियो में ठीक है जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन ले लेना या नोट डाउन जैसे भी आपको सही लगे वीडियो पॉज करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फैक्टर एनालिसिस क्या है कि जो एक अटैम्प्ट है क्या आइडेंटिफाई और डिटरमाइन करने का नंबर एंड नेचर ऑफ कंस्ट्रक्ट अभी ये कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे विच अंडरलाई सेट ऑफ मीजर अब ये कंस्ट्रक्ट क्या है एक ट्रेट हो सकता है एट्रीब्यूट जो एक्सप्लेन करता है कोई फिनोमेना फिनोमेना क्या हो सकते हैं एनजाइटी है, है इंटेलिजेंस है मोटिवेशन है एटीट्यूड है इनको हम मेज़र नहीं कर सकते ठीक है कि भाई कौन कितना इंटेलिजेंट है हम मीज़र नहीं कर सकते कौन कितना परेशान है किसको कितनी चिंता है ठीक है कौन कितना मोटिवेटेड है तो ये सब हम मेजर नहीं कर सकते तो ये कौन हमें हेल्प इन सब को मेजर करने में कौन हेल्प करता है फैक्टर एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस इज ऑफन यूज इन डेटा रिडक्शन टू आइडेंटिफाई स्मॉल नंबर ऑफ फैक्टर दैट एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ वेरियंस दैट इज ऑब्जर्व इन मच लार्जर नंबर ऑफ मैनिफेस्ट वेरिएबल तो फैक्टर एनालिसिस जो अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है ठीक है वो डाटा रिडक्शन में क्या है आइडेंटिफाई करने में जो स्मॉल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं ज़्यादा जा, से ज़्यादा वेरिएंस ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा किस में मैनिफेस्ट वेरिएबल में मैनिफेस्ट वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं फैक्टर एनालिसिस कैन आल्सो यूज टू जनरेट हैपोथिसिस रिगार्डिंग कैजुअल मैकेानिज्म और टू स्क्रीन वेरिएबल फॉर सब्सिकुंट एन एनालिसिस एग्जाम्पल है टू आइडेंटिफाई कॉलोइी प्रायर टू परफॉर्मिंग ए लीनियर इग्नेशन एनालिसिस तो फैक्टर एनालिसिस का यूज़ और कहाँ हो सकता है कि हैपोथिसिस जनरेट करने में किसके रिगार्डिंग जो कैजुअल मैकेानिज्म या फिर स्क्रीन वेरिएबल हैं ठीक है सबसिक्वेंट एनालिसिस के अंदर में अब एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि कोलैटी आइडेंटिफाई कोटी क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ठीक है अब फैक्टर एनालिसिस आर्टिफिशियल वेरिएबल इन फैक्टर एनालिसिस आर्टिफिशियल वेरिएबल आर जनरेटेड तो फैक्टर एनालिसिस के अंदर आर्टिफिशियल वेरुएबल जनरेट किए जाते हैं एंड कॉल्ड फैक्टर्स फैक्टर एनालिसिस इज इनिशिएटेड फ्रॉम द कोरिलेशन मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल तो फैक्टर एनालिसिस में किसको इनिशिएट किया जाता है किससे इनिशिएट होते आएंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स में से ठीक है कोरिलेशन मैट्रिक्स जो किसकी है वेरिएबल्स की है द वेरिएबल्स विच आर हाईली कोरिलेटेड आर ग्रुप टुगेदर जो जिन वेरिएबल्स में ज़्यादा कोरिलेशन पाया जाएगा उनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा ठीक है देयर आर फ्यू टर्म्स यूज इन तो कुछ ही टर्म्स है जो फैक्टर एनालिसिस में यूज़ की जाती हैं इफ़ आर टेस्ट मीज़र ओनली वन कंस्ट्रक्ट इट इज लेबल एज फैक्ट्रली प्योर तो अगर हम इसमें देखें कि एक ही कंस्ट्रक्ट है ठीक है तो उसको लेबल दे दिया जाता है फैक्ट्री प्योर का फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स टेस्ट इज वन दैट मीज अ टू और मोर फैक्टर तो फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स अगर एक है तो प्योर है और फैक्ट्री फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स यूज किया जाएगा जब दो से uh, ज्यादा फैक्टर होंगे दो या दो से ज्यादा फैक्टर लोडिंग इज द इन इज द एक्सटेंट टू विच दैट टेस्ट मीज अ फैक्टर फैक्टर लोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फैक्टर एनालिसिस बिकॉज फैक्टर विच आर आर्टिफिशियल वेरिएबल जनरेटेड फ्रॉम द डाटा मस्ट बी डिस्क्राइब एंड इंटीग्रेटेड तो फैक्टर लोडिंग क्या है एक्सटेंट है ठीक है टेस्ट मीजर का किसका फैक्टर का तो फैक्टर लोडिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इम्पॉर्टेंट है इसमें फैक्टर एनालिसिस में क्योंकि जो वेरिएबल आर्टिफिशियल जनरेट किए जाते हैं डेटा में से उनको डिस्क्राइब और इंटीग्रेट करने के लिए तो ये कोरिलेशन रिलेशन कोफिशेंट है किसके बीच में टेस्ट के बीच में और फैक्टर के बीच में अब यूज़ किया है फैक्टर एनालिसिस का रिसर्च में इसका एम क्या होता है फैक्ट्री एनालिसिस का यूज़ करने का एम, मतलब इसका फैक्ट्री एनालिसिस का इस्तेमाल किया क्यों किया जाता है वही हम अभी पढ़ चुके हैं कि नेचर को और नंबर को कंस्ट्रक्ट के आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्ट्री एनालिसिस एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्ट रिलेटेड एविडेंस तो जो फैक्ट्री एनालिसिस है वो किससे एसोसिएटेड है हमारा एविडेंस से रिलेटेड है ठीक है जब हमें उसकी वैलिडिटी को इस्टेब्लिश करना हो इट इज़ यूज इन कन्फर्मेटी एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस और इसको कन्फर्मेटरी एनालिसिस और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस किस में यूज़ होता है जहाँ पर हाइपोथिस कंस्ट्रक्ट की जाती है ठीक है क्या मीजर करने के लिए सेट ऑफ वेरिएबल्स आर इधर कन्फर्म और रिफ्यूटेड कि उन्हें कन्फर्म करना है या रिफ्यूट करना है इट इज़ आल्सो यूज टू एनालिसिस सिंगल टेस्ट बाई फैक्टर द आइटम स्कोर तो इसको सिंगल टेस्ट में भी इसका एनालाइज करने के लिए इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी साइड देखें हम एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस में द नंबर ऑफ वेरिएबल इज़ रिड्यूस टू मैनेजेबल नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी पर्पस तो यहाँ पे कि जो वेरिएबल है उनको रिड्यूस करने के लिए उनको मैनेज करने के लिए इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है अ सेट ऑफ मीज़र कैन बी फैक्टर एनालिसिस टू एनहेंस द एक्सप्लेनेशन ऑफ वट इज़ मीज़र इन मोर प्रेसिमिनियस मैनर तो uh, जो सेट है मीज़र करने के लिए ठीक है फैक्टर एनालिसिस का उनको और बढ़ाने के लिए उनको और एक्सप्लेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये छोटा सा टॉपिक था आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू